أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وقال ايضا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أهدهم ولا نصيفة متفق عليه وقال أيضا خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم متفق عليه सबसे पहले मैं अल्लाह के बेनतहा इनामत व करामात व एहसानत का शुक्रगुजार हूँ और हर कस्म की हमदोसना उसी के लिए लायक व जेबा है जिसने दीन नाजिल किया और मुकम्मल किया सलाम हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या हर रसूल बल उन जो तबलीग की जिम्मेदारी आपको दी गई थी उसको आपने ने खूबी निभाया और आपने हजतुलदा के मौके पर एक लाख से जायद इकराम को गवाह बनाया हल बल तो सहाबा इकराम ने कहा कत बल व अदयता व नसाह फिर यहाँ मौजूद स्टेज पर जिम्मेदारान और, और हाथरीन जैसा कि जो मौजू बताया गया और वाकई वक्त की जरूरत और हालात का जो तकाज़ा है साहब इकराम की आज़मत पर यह जो प्रोग्राम है और उसमें जो कड़ी है साहब इक्राम और आल बैद की जो रिश्तेदारियाँ हैं इस पहलू को मैं इंशाला कुछ तमहीदी बातों के बाद इन शाह उजागर करने की कोशिश करूँगा जो मैंने आयत पढ़ी है जिसमें जो रज्लाह हम व रजुआन ये जो कहा गया है इससे आप इसे आप जरा गौर से सुने साहबा इकराम ये वो जमात है जन्नत में जन्नतियों को जो आखिरी नेमत मिलेगी अल्लाह की रजामंदी जन्नत में जो जन्नतियों को आखिरी नेमत जो मिलेगी अल्लाह की रजामंदी जिसके बाद अल्लाह कभी नाराज नहीं होंगे ये नेमत अल्लाह ताला ने तहबा इकराम को इसी दुनिया में दे दी थी ये हैं सहबा इकराम रिदवानल्आ अजमान ये वो जमात है जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल शुदा शरीयत को लोगों तक पहुँचाने में कोई कमी नहीं की ये वो मुबारक ग्रोह है साहब कराम का जिन्होंने दीन की कामयाबी कामरानी और सरबलंदी में अपने जान की कुर्बानी अपने माल की कुर्बानी अपने वतन अज़ीज़ की कुर्बानी, अपने रिश्तेदारों की कुर्बानी, हर चीज़ की कुर्बानी इन सहाबा इकराम ने दी ये साहबा इकराम, जो भटकती हुई इंसानियत है उसको राह रास्त पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश उन्होंने किया ज़रा अंदाज़ा लगाएँ अल्लाह के रसूल वसम के एक हुक्म पर हबशा जैसा मुल्क जो कि एक अलग बर आजम है जहां का दीन मुख्तलिफ है जहां का कल्चर अलग है जहां के रंग नसल आबो हवा सब कुछ मुख्तलिफ लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर साहबा इक्राम उस अनजाने इलाके में और एक नए शहर में बसने के लिए तैयार हो जाते हैं ये हैं साहब इक्राम रिदवान अजमाइन साहबा इक्राम आप उनके अंदर जो जज्ब इताद था उसको इस वाक्य से आप तस्वूर में लाने की कोशिश करें शराब की हरमत पर कितने कवानी आते हैं कितने पेनाल्टीज लगते हैं सब कुछ लेकिन शराब कम नहीं होती है लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म पर इन साहब कराम ने जितना इनके पास शराब जखीरा किया हुआ मौजूद था मदीने की गलियों में उन्डेल देते हैं सिर्फ एक हुक्म पर ये वो सहाबा हैं जब खैबर के मौके पर पालतू गधों का गोश्त पका हुआ तैयार मौजूद था सफर की मशक्कत थी भूख का वक्त था सफर पर थे जंग की हालत थी लेकिन एक मुनादी की जो आवाज आई कि अल्लाह और उसके रसूल ने आज पालतू गधों के गोश्त के हुरमत का ऐलान किया है ये सुनने के साथ तमाम सहाबा कर जितने भी पके हुए देग थे उन तमाम देगों को उलट दिया तो ये साहब इक्राम हैं जो दीन की सरबरंदी के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी सादिबन मद इनकी जिंदगियां कितनी मुबारक थी देखें सिर्फ पांच साल की जिंदगी रही सादिबन माज की इकतीस साल में इस्लाम लाए तैतीस में बदर चौंतीस में वहद और छत्तीस में जाब और उसमें शहीद हो जाते हैं लेकिन इतने कारनामे अंजाम दिए कि उनके कहने पर एक ही दिन में बनु अब्दुल अशहल पूरे का पूरा कबीला इस्लाम कबूल किया ये वो थे यहूदियों ने बनु कुरेजा के फैसले के वक्त अल्लाह के रसूल का फैसला नहीं माना कहा हम साद का फैसला सुनेंगे लेकिन साद ने ऐसा फैसला सुनाया कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने कहा यह जो फैसला है सातों आसमान के ऊपर जो तयशुदा फैसला था वो फैसला तुमने सुनाया है और उनके जनाजे पर अल्लाह का अर्श हिल उठा सत्तर हजार फरिश्ते जनाजे में शरीक रहे साहब आप कहा सात के जनाजे में जल्दी करो वरना तुमसे पहले तुमसे पहले फरिश्ते शरीक हो जाएंगे यह हैं सात पांच साल जिंदगी और इतने कारनामे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह चाल खिलाफत सिर्फ दो साल की है गौर करें कितने इंजाजात कितने कारनामों पर मुश्तमिल थी साहब इकराम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी कुर्बानियाँ, उनके अचीवमेंट्स उनके इंजाजात उनकी कुर्बानियों को हमारे हमें चाहिए कि उसका हम उसको हम तस्वूर में लाएं सिर्फ दो साल खिलाफत इस दो साल खिलाफत में मुद्दिया ने नबूत का फितना ख़त्म किया इरतदाद की जो लहर थी उस पर रोकथाम लगा दी माने ने जक़ात का मसला हल किया जैश -उसामा। सहाबा के कई मशोरे आ रहे थे वो छोटे हैं गुलाम हैं गुलाम के बेटे हैं हालात मुआफ़त में नहीं हैं हमत अमली के खिलाफ है लेकिन अबू बकर अबू बकर ने जो तारीखी जुमला था अगर मुझे पता चले कि मदीने में अतराफ व अकनाफ मोदी जानवर घेरे हुए हैं और मदीने में सिर्फ अबू बकर है ऐसी नाजुक हालत में भी जैश उसामा अपना जो मकसद है वो पूरा करके रहेगा और ये फौज जाकर रहेगी और उसके अलावा कुरान मजीद को जमा करना और उनकी जिंदगी में अशर मुबशरा में कितने लोग इस्लाम कबूल करते हैं और दीगर कारना में गुलामों की एक बड़ी तादाद इस्लाम कबूल की और हिजरत पर जितना भी खर्च आया वो अबोकर सिद्दीक ने उठाया तो इससे पता चलता है कि उनकी जिंदगी बड़ी मुबारक थी दो साल में दो सदियों का काम उन्होंने किया देखें अल्लाह के रसोल वसलम ने सहाबा को ऐसे तैयार किया था और साहबा ने अपने बाद वालों को ऐसे तैयार किया था कि सिर्फ वफात रसूल के दस साल बाद साहबा इक्राम वक्त के दो अजीम सल्तनतों से टक्कर लेते हैं रूम और फारस किसी एक से टक्कर लेना भी लोहे के चने चबाना था लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत इस कदर पुख्ता थी कि बैक वक्त उमर रजी के खिलाफ़त में रूम और फारस इन दोनों अजीम सल्तनतों का खात्मा किया और उसे जवाल की मुंह देखनी पड़ी मौजूद ये तो दस साल की बात है और साहबा ने अपने बाद ऐसी टीम तैयार की ऐसे फातह तैयार किए कि सौ साल की मुख्तसर मुद्दत में पहली सदी में इस्लाम एशिया यूरोप अफ्रीका के तमाम हदूद तक पहुंच चुका था हिंदुस्तान महम्मद बिन कासिम पहुंच चुके थे चाइना के हदूद में कुतैबा बिन मुस्लिम बाहिली पहुंच चुके थे उकबा बिन नाफ़े ने अफ्रीका में अपना डेरा डाल दिया था और तारिक बिन जियाद और मूसा बिन नसीर स्पेन के हदूद और उसकी बाउंड्री में पहुंच चुके थे सिर्फ एक सदी में साहबा की आपने ऐसी तरबियत की कि ये एशिया यूरोप अफ्रीका तक पहुंच गए और ये जो आप का जुमला है ललहा इसमें बड़ा सबक है अल्लाह के कहते हैं अबू तलहा जंग में जब चिंगाड़ते हैं तो वो एक हजार लोगों की आवाज के, के बराबर है तो साहबा में कुछ ऐसे थे जो एक एक हजार का रोल अदा करते थे एक सहाबी एक एक हजार का रोल अदा करने वाले थे जब मसर फता नहीं हो रहा था अमर बिन लास, अमर बिन लास के हाथों जब मसर फतह नहीं हो रहा था तो उमर रजी अल्लाह ने खत लिखा क्या बात है कि मिस्र फतेह नहीं हो रहा है यकीन यह हमारे गुनाहों की पादाश और उसकी सजा है मैं अब चार साहबा को भेज रहा हूं जुबैर इबन अवाम मकदाद इबन असवद उबादा इबन सामिद और मसलमा बिन मखलद और कहा यह चार इनमें से हर एक एक हज़ार के बराबर है और इनके जाने के बाद जो कार्रवाई हुई मुख्तसर मुद्दत में साहबा क़राम ने मिस्र कहरा और आपका जो इजिप्ट है उसको फतह कर लिया देखें जब हम सहा अंबिया की तारीख पढ़ते हैं तो तमाम अम्बिया की तारीख में उनके दोस्तों का जिक्र मिलता है मूसा आसमाम का जब जिक्र हो तो अहब मूसा ईसा आलाम का जब जिक्र होता तो है हवारी ईसा सलाम के दोस्तों का और हवारीन का तस्करा मिलता है इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात की जाए तो अहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तारीख मिलती है अगर ईसाइयों से पूछा जाए कि सलाम के बाद सबसे बेहतरीन कौन है तो उनका जवाब होता है अहब ईसा हवारी ईसी ईसीम के जो हवारी थे वो सबसे अच्छे हैं और मूसा सलाम के मानने वालों से अगर पूछें कि मूसा सलाम के, के बाद सबसे अच्छे कौन तो वो कहते हैं अहबु मूसा मूसा सलाम के मानने वाले लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसे लोग हैं जो अपने आप की अपने आप को इस्लाम की तरफ नस्बत तो करते हैं लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि सब स... अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बुरे कौन हैं तो कहते हैं अहाबू महम्म कौन है आप जानते हैं शिया जो जिनका यानी तखमीना और जिनका अंदाजा और उनका एहसाइया ये है कि अल्लाह के रसूल वसल्लम के वफात के बाद सहाबा कराम पूरे के पूरे मुर्तद हो गए पूरे के पूरे सहाबा मरत हो गए सिवाय तीन के अबू जर मकदाद और सलमानल फारसी रजील्लाकीदा है कि पूरे के पूरे सहाबा मरतद हो गए सिवाए तीन के अब जरा सोच कर देखें कि जो सहबा इकराम ने जो रूम और ये जो बीमारी है सहाबा के सिलसिले में गलत ख्याल और झूठी रिवायतें घटना और बेबुनियाद बातें कहना और ऐसे अफसाने नकल करना जिसकी कोई हकीकत नहीं है ये इस मर्ज़ की असल जड़ है कि कुछ लोग ऐसे वाकयात को जिसकी कोई दलील नहीं है गैर मुस्ंद वाक यानी हादीस और रिवायात जिसमें मतन की कोई सेहत नहीं होती ऐसी रिवायतों को और उसके सतही और जाहरी माने को लेकर समझते हैं कि यही हमारी तारीख है हालांकि ये बे बेबुनियाद तारीख है और इस बुनियाद पर ऐसे वाकयात घटते हैं कि हम तस्वूर नहीं कर सकते देखें रवायात हैं कि सिर्फ तीन साहबा थे जो इस्लाम पर कायम रहे अब जरा सोचें फतूहत का जो सिलसिला हुआ क्या सिर्फ तीन साहबा से हुआ अहद उमर में कई नए 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 शहर बनाए गए आबादी बढ़ते गई फतोहत का सिलसिला और बसरा कोफा इस तरह काफ़ी दायरा वसी हो गया क्या सिर्फ तीन सहाबा के हाथों अमल में आया जजीरतुल अरब, जिसको मुकम्मल मुसलमानों ने फतह किया उसकी दीनी तालीमी, रिफ़ाही, सियासी तामीरी, एक मुकम्मल जो सिस्टम कायम किया सहाबा के अहद में अहद खुलफा और राशिदीन में क्या सिर्फ तीन लोगों की कारदगी थी और ऐसे ऐसे वाकयात पेश किए जाते हैं जिसको बुनियाद ये बनाया जाता है कि सहाबा और बैत सहाबा और आलुल बैत इनमें आपस में दुश्मनियाँ थी इनमें इख्तलाफ था इनमें खिलाफत की कुर्सी के लिए खींचा तानी हुआ करती थी वगैरह वगैरह ऐसे वाकयात पेश करते हैं कि ए, 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 उनकी मजलिसों में सुबह शाम ऐसे वाक़ात बयान किए जाते हैं मसला एक वाक़ उनकी हर मजलिस में कहा जाता है कि अली रजी अल्लाह तन और उमर रजी अल्लाह तैन में ऐसी दुश्मनी थी ऐसी दुश्मनी थी कि खिलाफत से अली रजी अल्लाह को दूर रखा गया एक दफ़े अली रजी अल्लाह तु अपने घर में छुपे हुए थे तो उस मौके पर उमर इब्दल खत्ताब अली रजी अल्लाह के घर में दाखिल होते हैं दरवाज़ा खिटखिटाते हैं अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है दरवाजे को धक्का देते हैं फिर उसके बाद उमर रजी अल्लाह तु इस कदर जुल्म करते हैं कि उस दरवाजे को तोड़ देते हैं आग लगाते हैं फातिमा रजी अल्लाह तीन हालांकि वो उस वक्त हामिला थी उस मौके पर इस कदर उनको चोट पहुंची कि उनका जो हमल था मोहसिन जो पेट में बच्चा था वहीं पर साकित हो गया इस तरह वाक़े को पेश करते हैं और अली रजी अल्लाह तन दरवाजे के पीछे छुपे हुए बैठे हुए हैं ये उमर रजी अल्लाह तु जो कर रहे हैं उसे खामोशी से देख रहे हैं जरा सोच कर देखें ये कौन है अली रजी तुन एफात खैबर हैं बदर में सबसे पहले आगे रहने वाले हैं अमरबन अब जो खंदक के मौके पर छलांग लगा कर पहुंचा था उसका मुकाबला करने वाले हैं सबसे बहादुर साहबी को ऐसे पेश करते हैं जो सबसे बुजदिल कारकरी है तो इस तरह के वाकियात पेश किए जाते हैं और साहब इक्राम में और आले बैत में नफ़रत का माहौल बनाया जाता है इसी तरह सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि वसतीत और अतदाद जो है ये मतलूब है अंबिया आलम के सिलसिले में यहूद और नसारा का जब हम जायज़ा लेते हैं तो एक तरफ यहूदियों ने अम्बिया के साथ बड़ी ज्यादतियाँ की उनकी तजलील की यहाँ तक कि उनका कत्ल भी किया और दूसरी तरफ नसारा अम्बिया आलम और खसूस ईसीम को इतना मुबालगा किया और गलू किया कि उनको अल्लाह का बेटा बना दिए या अल्लाह के मकाम पर पहुँचा दिए ये दोनों इफ़रात तफरीत और गुलू और खुलू का जो माहौल है दिन इस्लाम उसमें वसतीत की तालीम देता है कि हम तमाम अम्बिया का अहतराम करेंगे और अहतराम का मतलब ये नहीं है कि हम उनके सिलसिले में गुलू करें और यही बात सहाबा इकराम और आलेत के सिलसिले में जब हम गुफ्तु करते हैं तो इसी वसतीत और अतदाल की हमें तालीम दी गई है क्योंकि जो फिरक इस्लाम की तरफ अपने आप की नस्बत करते हैं हालांकि है नहीं ऐसे फिरकों में हम देखते हैं कि वो इफरात व तफरीत का शिकार हैं जैसे नवासिब और खवारीज हैं वो आले बैज से नफरत करते हैं उनके खिलाफ नफरत उनके दिलों में कूट कूट के भरी गई है और आले बैद मोहब्बत के नाम पर अली रजील् तु को रब का मकाम तक दे देते हैं ये जो गुलू और खुलू है इफ़रात तफरीत है इस्लाम उससे पाक है और इस्लाम की तालीम है ईया कुम ईयाकुमलू फिन नमा हल कमन का नकब लकुम बिल गुलू वफ द्दीन जितनी भी तबाही आई है वो दीन में गुलू करने की वजह से है और रवाफ शहाँ पर आले, आले बैत की इज़्ज़त तकरीम तो करते हैं वहीं पर साहब इक्राम के सिलसिले में बहुत बुरा तस्वूर रखते हैं गलत अकीदा रखते हैं ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है जो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है जब हम आले बैत की बात करें आले बैत ये कौन है बैत से मुराद बनू हाशिम और बनु मुत्तलिब हैं जिसमें आले अली आले जाफ़र और आले अब्बास ये शामिल हैं शिया की सबसे बड़ी अहम कोशिश ये होती है कि आल बैत जब कहा जाए तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को बाहर निकालते हैं अम्मा हफ्सा अम्मा आयशा और दीगर उमहान सबसे पहले इनको बाहर निकालते हैं और अगर देखा जाए कुरान मजीद की जो आयत है इनमा यूरीबा अनकम सूरह सुरहब की जो आयत है इस आयत से पहले और बाद सब कुछ वो अजवाजन नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियां और उमहातुल के सिलसिले में पूरी आयत नाजिल हुई हैं लेकिन उनकी पूरी कोशिश होती है कि आल बैज से तमाम आप सोलम की बीवियों को निकाला जाए देखें ये जो आप की बीवियां हैं वो नसब और कराबत की बुनियाद पर अल बैत में दाखिल नहीं हुई हैं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवी होने के नाते बीवियां होने के नाते वह आल में दाखिल हुए हैं और कुरान मजीद में जहां अहल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इन्नी नारा अहल से मुराद वहाँ बीवी मुराद है इसी तरह कौलुबीना मिन अमरमत वरक़ात अहलबैद इब्राहीम को जो वाक़या है वहाँ भी मुराद आल बैत से वो इब्राहिम की अहलिया हैं अब देखें जब आले बैत की जब बात हम करते हैं तो इसमें यकीनन अल्लाह के रसूल रस्वासलम का खानवादा शामिल है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुनाह करें अल्लाह के साथ शिरक करें तब भी उन्हें वह दर्जा हासिल होगा ऐसी बात नहीं है अबू तालिब जो खुद आप आपलम के खानदान से आते हैं लेकिन कल क़यामत के दिन सबसे हल्का आजाब उन्हीं को दिया जाएगा और अल्लाह के रसूल वसलम ने कहा

उसका खानदान उसका हसब व नसब कभी आगे नहीं कर सकता यकीन आल बैत के सिलसिले में बेशुमार फाइल हैं फातिमा सैदाई अहलिलजन्ना जन्नत की शहजादी होंगी तमाम खुवात की सरदार होंगी और आप सला वलम ने कहा हसन हुसैन सईदा शबाब अहल जन्ना जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे और आप सोसलम ने खूस हसन रन के बारे में कहा इन नब निहाद सद हसन ये जो है ना एक सरदार हैं ये मुसलमानों के दो बड़ी जमातों में जो इख्तलाफ होगा उस इख्तलाफ को खत्म करने का जो कारनामा होगा इनके हाथों अमल में आएगा अब देखें साहब इक्राम में खूस अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तन और उमर रजी अल्लाह तन उस्मान रजी अल्लाह तन इन तमाम की जिंदगी का अगर हम जायजा लें तो इनकी पूरी जिंदगी में उन्होंने आल बैत के साथ जो रवैया इख्तियार किया और आल बैत ने इन खुलफा के साथ और दीगर साहबा के साथ जो रवैया इख्तियार किया इससे पता चलता है कि उनके दरमियान बाहमी उल्फत थी इकराम और एहतराम का माहौल था अब देखें अबू बकर कहते हैं वलि नफसी बी लराबत रसूल सल्लाम अहब्बलिया कराबती कहते हैं कि अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदारियों को जोड़ना मुझे अपने रिश्तेदारों की रिश्तेदारी को जोड़ने से ज्यादा अफजल है तो इससे आपको पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे इनके दिलों में आल बैत के लिए कितनी जगह थी एक जगह फरमाते हैं सल्लल्लाहु इर्कबू महम्मद सहल्फी अहल बैती ही वसल्लम की मुबारक सूरत देखनी हो तो तुम अहले बैत में उसे तलाश करना उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना उनके साथ अच्छा मामला करना हसन रजी अल्लाह तु के सिलसिले में अभी आपने रिवायत सुनी उनको लप, लपट लेते हैं और अली रजी उनके मौजूदगी में कहते हैं वह भी अभी शबहन नबी ले शबी हम भी यानी अली रजी उनके मौजूदगी में कहते हैं कि हसन रजी अल्लाह तु की शबाहत अल्लाह के रसूल से अली रज़ी सेनुके मुकाबले में ज्यादा है इसी तरह उमर रजी अल्लाह तहु के अहद में हम देखते हैं कि उमर रजील्ला तू जब माल गनीमत और इसी तरह मुसलमानों के बैतलमाल से जब माल तकसीम करते तो आप एक दफ़े अब्दुल्ला जो आपके फर्जंद हैं उनके मुकाबले में हसन हसन बहुत छोटे हैं तो दोनों को बराबरी से दस दस हज़ार दिरहम देते हैं तो उस मौके पर कहते हैं ये तो दोनों छोटे बच्चे हैं तो उस मौके पर उमर रजील कहते हैं यक़ी ये लोग छोटे हैं लेकिन उनके दादा जो है उन जैसा आपका दादा नहीं हो सकता उनके वालिद जैसे अली रजी रज वैसे आपके वालिद वो मकाम हासिल नहीं कर सकते उनकी जो दादी हैं खदीजा रजी अल्लाह तआला वो मकाम आपकी दादी हासिल नहीं इस तरह पूरा दोनों तरफा सिलसिले नसब गिनाने लगाते हैं लगते हैं और कहते हैं कि किसी सूरत आले बैत की तुम बराबरी नहीं कर सकते इसी तरह उमर फारूक रजी रजील तन के अहद में जब दोावी की तरतीब हुई और जब मशोरा किया गया तो सब ने कहा कि सबसे पहले बैतुल माल से आपको रकम जाएगी तो कहा नहीं सबसे पहले आले बैत और उसमें जो सबसे अजीज और सबसे बुजुर्ग हैं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से शुरुआत की इन तमाम वाक़ से ही पता चलता है कि साहब इकराम के पास आले बैत की किस कदर अहमियत थी एक दफे अब्बास को खिताब करके कहते हैं अय अब्बास सुन लो कि तुम्हारा इस्लाम कबूल करना मेरे पास मेरे वालिद खत्ताब के इस्लाम कबूल करने से ज़्यादा अफजल है क्योंकि तुम्हारे इस्लाम से अल्लाह केसम्म को इतनी खुशी मिली अगर खत्ताब इस्लाम करते तो उतनी खुशी नहीं मिलती तो इस तरह आपने अपना इस तरह का इजहार अब्बास के सामने पेश किया और आपको मालूम है जब मदीने में एक दफ़े कहत का माहौल था आमर रमादा के अयाम थे उस मौके पर पूरी मजलिस की तरफ निगाह दौड़ाई और अब्बास रज्ला तु को इस बारिश की दुआ के लिए आगे भेजा और कहा कि जब तक हमारे दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ करते थे उस वक्त तक वो बारिश की दुआ करते थे आज अमन नबी नबी के चाचा हमारे दरमियान हैं वो बारिश की दुआ करेंगे और ये जायज़ वसीला था अहद उमर में अब्बास की मौजूदगी में उन्होंने इस्तिस्का के लिए उन्हें आगे भेजा इसी तरह उमर रजी के अहद में, अब्दुल्ला वो सिगारे में उनका शुमार होता था लेकिन अब आपने अभी सुना कि उमर और उस्मान रजी जब सवार होते और सामने अब्बास रजी होते तो दोनों एहतराम में उतर जाते और अब्बास रजी अल्लाह गुजरने तक वो आगे नहीं बढ़ते थे यही मामला दूसरी तरफ हम देखते हैं जो आले बैत हैं आले बैत का मामला भी साहब इकराम के साथ इससे कुछ जुदा नहीं था आपको मालूम है कि मोहम्मद इब्न हनफिया जो अली के रबीब हैं कहते हैं उनसे पूछा गया कि अय्ना से खैरबाद रसूल सल्हु वसम कहा अबू बकर फिर उसके बाद उमर तो ये बैत के पास मुसलम था कि सबसे अफजल तरीन कोई शख्स है तो वो अल्लाह के अंबिया के बाद रसूल एक्रम ससलम के बाद अबू बकर फिर उमर रजी रजील् तू उमर रजी अल्लाह तू अबूलू फैरोजुलमजूसी नमाज की हालत में जब उनको शहीद किया और उनके अतराफ जितने सहाबा थे वो भी मुतासर हुए जब उनकी यादत के लिए सहाबा दाखिल हो रहे थे तो एक शख्स दाखिल होते हैं और करीब आते हैं तो जब उमर रजी ने देखा तो वो थे अली रजी अल्लाह तो अली रजी अल्लाह तन शहादत देते हैं क्योंकि कुछ ही लमहत बाद उमर रजी अल्लाह रजील इस दार फ़ानी से जुदा होने वाले हैं उनकी शहादत से कुछ लमहत पहले कुछ लम्हा पहले कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्स जबानी जो अक्सर मैंने जो कलिमात सुने यही कलिमात थे मैं दाखिल हुआ मेरे साथ अबू बकर उमर थे मैं मस्जिद में मस्जिद से बाहर निकला तो मेरे साथ अबू बकर उमर कोई भी मामला जिसमें मशूरा करना होता तो अबू बकर व उमर अबू बकर व उमर हमेशा अल्लाह के रसूल केसलम के साथ होते तो कहा ये मैंने सबसे ज्यादा कलीमा अल्लाह के रसूल केसलम के जबानी सुना है और हम देखें अबू बकर व उमर इस दुनिया में भी अल्लाह के रसूल केसलम के साथ थे आलम बरज़ख जो वफात के बाद का मरहला है आज दफन भी एक दूसरे के दरमियान एक दूसरे के साथ हुए हैं और कल क्यामत के दिन हशर भी इन दूसरे के साथ होगा तो ये वाकियात इससे पता चलता है कि आले बैत का किस कदर आले साहबा का किस कदर एहतराम करते थे जैद बिन साबित जैद इबन साबित जब सवार रहते तो इबन अब्बास बाकायदा उनके नुकेल सवारी के नुकेल पकड़ कर आगे बढ़ते और तरस जाते कि छोड़ दें कहा नहीं अल्लाह के केसलम की तालीम है हम आलबैत को यह तालीम है कि हमारे उलमा के साथ हम ऐसा ही एहतराम करें इतने अब्बास रज बायदा उनकी सवारी लेकर आगे बढ़ते देखिए आलोलबैत में कितने ऐसे सहाबा हमें मिलेंगे कितने ऐसे आलोलबैत में की तरफ नस्बत करने वाले सहाबा मिलेंगे जिन्होंने अपने नाम सहाबा के नाम से और खसूस अबू बकर और उमर उस्मान और अली ऊस्मानस्मान रजील्ला की तरफ नस्बत की सबसे पहले अली रजी अल्लाह अल्ला ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा अबू बकर बिन अली इबन अबी तालिब हसन रजी अल्लाह तुन ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा अबू बकर बिन हसन बिन अबी तालिब और इसी तरह जैन आबिदीन जो अली बिन हुसैन है अली बिन हुसैन ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा इसी तरह उमर रजी अल्लाह तु का नाम यह आल में आम था हसन रजी अल्लाह ने अपने बेटे का नाम रखा उमर इबन हसन इबन अली और हुसैन रजी अल्लाह ने अपने बेटे का नाम रखा उमर इबन हुसैन इबन आली और इसी तरह आयशा और हफ्सा ये भी उनके दरमिया जाफ़र सदिक जो उनके बारह इमा में एक इमाम शुमार किए जाते हैं उनका नाम भी उनकी बेटी का नाम भी आयशा बिनते जाफर था मूसा काविम उन्होंने अपनी बेटी का नाम आयशा रखा अगर हम देखें कि आल और सहाबा में जो रिश्तेदारियाँ हुई हैं उसमें सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्होंने सहाबा से मतलब साहबा की बेटियों से आपने निकाह किया एक लंबी फहरस्त है उसमें मैं सिर्फ वो नाम बताऊंगा जिनके वालिद साहबी थे और उनकी बेटियों से आपने निकाह किया आयशा बिन थे बकर सिद्दीक से आपने निकाह किया ये देखिए आलिबैद का रिश्ता आलेबैद का रिश्ता है साहबा इक्राम से है अब बकर सिद्दीक रिलान की बेटी आयशा से आपने निकाह किया उमर अब्न खत्ताब उनकी बेटी हफ् से आपने निकाह किया सुफियान इबन हर अबू सुफियान जो है उनके बेटी उम्मे हबीबा से आपने निका किया और इसी तरह जुवेरिया बिन तिल हारिस से आपने निका किया ये वाकियात ये बतलाते हैं कि अल्लाह के ने सहाबियात में जो कुरैश से थी या फिर आल बैत के से बाहर से थी उनसे आपने निकाह किया और इसी तरह अली रज़ी अल्लाह ने एक लंबी फहरिस्त है बीवियों की जिन जो सहाबियात से आपने निकाह किया असमा बिनते उमैस से आपने निकाह किया लैला बिनते मसूद से आपने निकाह किया उमामा अबिल रबी जो जैनब रजिया की बेटी थी उनसे आपने निका किया इसी तरह हसन रजीलिया के मौके पर जिनका मिलता है और जब इरतदाद की लहर आम थी तो मक्का में खतीब बनकर खड़े हुए उनकी बेटी हिंद से हसन रजी अल्लाह तिका किया तलहा बिन उबैदर मुबरा है उनकी बेटी से, से आपने निका किया इसी तरह अब्दुलरहमान बिन अबू बकर उनकी बेटी हफ्सा से आपने निकाह किया और हुसैन रजी अल्लाह तहू का भी जिक्र मिलता है कि वो तलहा बिन अबैदुल्ला की बेटी से उन्होंने निकाह किया इसी तरह हसन बिन हसन एक सिलसिला है जिससे पता चलता है कि बहुत से सहबा इकराम थे जो आले बैत से रिश्ता किए हुए थे और आलेबैत में बहुत से थे जिन्होंने सहाबा से रिश्ता किया अगर मैं सिर्फ अगर वक्त इजाजत दे तो तीन सहाबा अबू बकरी रजील्ला के खानदान और उमर इब्दुल्ख रजीन के ख़ानदान और इसी तरह उस्मान इब्न आफान इन तीन सहाबा से मुतिक बताता चलू कि कितनी आपस में रिश्तेदारियाँ थीं तो आप देखें अबू बकर रजी अल्लाह तन उनके जो इमाम स, शिया के जो इमाम माने जाते हैं जाफर सदिक ये कहते हैं कि वलनी अबू बकर्रतन अबू बकर रजी अल्लाह तन मुझे दो बार पैदा किया क्यों क्योंकि उनके वालिद की तरफ से और वालिदा की तरफ से सिलसिले नसब जाकर मिलता था अबू बकरी रजी अल्लाह तन से और अबू बकर तनों ने अन्हु के जो सगे भाई थे अली अन्हु के जो सगे भाई थे जाफ़र बिन अबी तलब तैयार जाफ़र तैयार उनकी शहादत के बाद उनके अहलिया असमा बिन तुमेस उनसे अबू बकर निका किया और इसी तरह अली रजी अल्लाह तू ने जो हसन हुसैन के साथ जिनकी परवरिश साथ हुई थी मोहम्मद इब्न हनफिया उनसे हाँ अली रजी अल्लाह तु ने उनसे जो औलाद हुई उनके मुतल कहते थे मोहम्मद इब्न हनफिया के सिलसिले में हाद इब्नी मिन जहर अभी बकर ये मेरे बेटे हैं लेकिन ये सिलसिले नसब उनका अबू बकर सिद्दीक रज़ी बकरी गज़ला से ऊपर जाकर मिलता था ऐसे बेशुमार बेशुमारराबतें हमें मिलेंगी जिससे पता चलता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला तौ और उनके खानदान और आले आल ने बड़ी रिश्तेदारियाँ हुई उमर इब्न अल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला जिनको फ़ारूक़ का लकब मिला जो हक़ व बातिल में फ़र्क करने में उनकी मिसाल दी जाती है जिनके इस अहद में इस्लाम रूम फारस तक पहुँचा इतनी बड़ी अजीम शख्सियत हम देखते हैं कि उनके और आले बैत में कितनी रिश्तेदारियां हुई सबसे पहले रिश्तेदारी खुद उनकी बेटी हफ्सा रजी अल्लाह तहा का निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने करवाया ये खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उमर इब्न अल खत्ताब की बेटी का आपस में रिश्ता है फिर इसके बाद दूसरा रिश्ता उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह तहु नेली रजी अल्लाह तन की बेटी उम्म कुम उम कुलसुम बिनते आली से खुद उमर रजी अल्लाह तु ने निकाह किया फिर इसी तरह इसके बाद जो इस निकाह से उम कुलसुम से जो निकाह हुआ इससे पैदा हुए जैद जैद इबन उमर पैदा हुए और जैद इबन उमर कहते हैं अनब्दन खलीफेन अन अनब्दुल खलीफन और उस्मान रजी अल्लाह तु और आले बैद का रिश्ता किस कदर पुख्ता था और आपसी बाहमी ताल्लुक था आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने सबसे पहले रुकैया आपका निकाह किया रुकैया से निकाह किया और रुकैया के साथ आपने हबशा की हिजरत की मदीने की हिजरत की दो दो हिजरतें नसीब हुई और उस्मान रजी अल्लाह अन्हु जब योम बदर था बदर का दिन था तो उस मौके पर उस्मान रजी अल्लाह तन बदर में शरीक नहीं हो सके क्योंकि उनकी अहलिया रुकैया बीमार थी तो आपने उनकी तैमारदारी का हुक्म दिया और उस्मान रजी अल्लाह तु जब हालांकि बदर में मौजूद नहीं थे उसके बावजूद माल गनीमत में उनको हिस्सा दिया और इसी तारीख को रुकैया रजी अल्लाह तू वफात पाती हैं फिर उसके बाद आपने दूसरी बेटी उम कुलसुम से उनका निकाह करवाया उम कुलसुम तकरीबन नौ हिजरी तक उनके साथ रहीं उम कुलसुम की जब वफात हुई तो अल्लाह के उसम ने कहा कि अगर मेरी तीसरी बेटी होती चारों बेटियों का निकाह हो चुका था दो बेटियों को जिन्नुरैन उस्मान रजीला को दे चुके थे कहा अगर मेरी तीसरी बेटी होती तब भी मैं उस्मान रजीला से उनका निकाह कराता तो इससे ये पता चलता है कि सहाबा और आले बैत में आपस में कितनी रिश्तेदारियां थी और किस कदर आपस में उल्फत थी और ये साहबा और आले बैत ये हमेशा आपस में रिश्तेदारियां और ताल्लु एहतराम में कभी कमी नहीं किए लेकिन कुछ लोग हैं जो उनके सिलसिले में गलत वाकियात बेबुनियाद वाकियात मौजू रवायात इन वाकियात का सहारा बनाकर अपनी दुकान चलाने के लिए उन उनबा और आलोबैत में एक दुश्मनी का माहौल बनाते हैं हालाँकि आलोबैत और सहाबा दोनों इससे बड़ी हैं ये कुछ झलकियाँ थीं वरना इससे और ज़्यादा एक लंबी फ़हरिस्त है जिससे पता चलता है कि आले बैत और साहबा में आपस में बड़ी गहराई और रिश्तेदारी थी इन्हीं बातों पे मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए साहबा कराम से मुतालिक हमारा मुताला गहरा होना चाहिए इससे मुतालिक जितने शकूक व शुभात हैं अहिल इलम से मुराजा करके उसका इजाला करना चाहिए व सल्ला तबीन महमद वाला वसाब वसलम वसलम आईकुम वरह वरक